अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत वाफियत के साथ होंगे। तो ये मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्पंजी, जो बाहर से आप लाते हो मार्केट से खरीद के, चमचम मिठाई वगैरह, या गेस्ट वगैरह आए तो आप इस मिठाई को ज़रूर बनाएं। बहुत ही झटपटा, बहुत ही जल्दबाजी में मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी है, जो कि मुँह में जाकर ही खुल जाने वाली ये मिठाई है। तो देख सकते हैं आप लोग की कितनी सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुट जाने वाली और सॉफ्ट। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस बचे ब्रेड से हम बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई बनाने वाले हैं। तो हमें इसे ब्रेड ले लेना है, 6 से 7 ब्रेड ले लेना है आपको, जितना बनाना है। तो मैं ये ग्लास की मदद से इसे गोल कट कर लूँगी। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस कैसे हमें कट करना है। जैसे कि हमने इसे रख दिया है तो ये ग्लास की मदद से हमें इसको तेज इस तरीके से कट कर लेना है। तो देख सकते हैं आप लोग की कितना अच्छा कटिंग हो चुका है। इसी तरीके से हमें सभी को कट कर लेना है। तो देख सकते हैं आप लोग की मैंने सभी इसी तरीके से काट लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, इसमें बची हुई मलाई लगाना है। जो आपके घर पर मलाई हो तो वह आप लगा सकते हैं। तो ये मेरे घर पर मलाई थी तो मैंने इसमें थोड़ा दूध डाल के इसको थोड़ा ठीक कर दी हूँ। इसको अच्छे से चम्मच वगैरह से मिक्स करके इसका अच्छा पेस्ट बना ली हूँ। तो इसमें हमें लगाना है। मैंने कढ़ाई ले ली हूँ, पहले हमें इसकी चाशनी बना लेनी है जो हमारी मिठाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं 5 से 6 चम्मच शक्कर डालूँगी इसके अंदर ताकि इसकी अच्छी चाशनी बने। ये मैंने शक्कर डाल दी, इसमें डालेंगे फूड कलर येल्लो, पीले कलर में। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये मैंने थोड़ा पीला कलर डाल दिया, देख सकते हैं आप लोग इसका कलर चेंज हो चुका है। इसी कलर में हमें इसे बनाना है। तो देख सकते हैं आप लोग ये पक रहा है, थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने तक का हमें इंतज़ार करना है, फिर अपने गैस को बंद कर देना है। तो हमारी चाशनी जितनी हमें चाहिए उतनी ही ठीक हो चुकी है। अब इससे हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने मिठाई बनाने के प्रोसेस में। तो हमारा चाशनी ठंडा हो रहा है, जब तक हमें क्या करना है, अपने ब्रेड के अंदर इस मलाई को एकदम ठीक होनी चाहिए मलाई, ताकि हमारा टेस्ट भी उसी तरीके का हो। तो हमने मलाई को इसके अंदर ले लिए हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो। जो हम बाहर से मिठाई लाते हैं वह हम आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने लगा ली हूँ। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ऐसा रख लेना ब्रेड। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसे अच्छे से हमने पैक कर दिए हैं। अब इसे चाशनी में हम अच्छे से डुबा लूँगे, बाकी सबको पहले बना लेंगे उसके बाद। मैंने क्या करना है, इस कढ़ाई में हमें इसे लेना है, इसको अच्छी तरीके से भिगा लेना है एकदम अच्छी तरीके से। इसको हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि इसका जो जूस हो निकल जाए। फिर हमें क्या करना है, अपना खोपरे का बुरादा लेना है, इस पर इस तरीके से लगा देना। आप, मैं गारंटी लेती हूँ कि आप बाहर की मिठाई खाना भूल जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग कि देखने में कितना इसका यमी, कितना टेस्टी लग रहा। तो इस तरीके से हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे सभी को बनाकर। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो थोड़ी थोड़ी हम मिठाई के ऊपर अपनी थोड़ी थोड़ी और भी मलाई डाल देंगे ताकि इसका लुक और भी टेस्टी लगे देखने में, इसकी गार्निशिंग करने के लिए। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स इसकी गार्निशिंग कर ली हूँ। ये देखने में बहुत ही प्यारा इसका लुक लग रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग कि हमारी वीडियो को इसी तरीके से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। देख सकते हैं आप लोग की कितना यमी है, कितना टेस्टी बना हुआ। तो हमें इसी तरीके का सपोर्ट देते रहे, हमें प्यार देते रहे, हम आपके लिए इसी तरीके की नवी नवी रेसिपी लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अस्सलाम।